everyone, welcome back to my channel Afternoon in London. I hope everyone is doing fine. Even I am fine. तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक. यूजुअली मैं एवरी डे एक मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ, बीट कोकोनट वाटर या नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, वार्म वाटर, या फिर आप ज़ीरा पानी पी सकते हो. तो मैं आज पी रही हूँ चिया सीड लेमन एंड वार्म वाटर उसके साथ. सो एवरी डे मैं ट्राई करती हूँ कि ये खाली पेट मैं पी लूँ, बिकॉज़ ये स्किन के लिए, हेल्थ के लिए आपकी काफ़ी अच्छी है. तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आप हैबिट बना सकते हो इसको, ये बहुत अच्छी हैबिट है. सो मैं यहाँ पे अपना मी टाइम ले रही थी, 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए मैंने अपना टाइम निकाल के एक जगह पे शांति से बैठ के मैं बस बाहर का व्यू इन्जॉय कर रही थी. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन को साइड रख के बस आप अपने लिए एक शांति से अपना टाइम निकालें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए. और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि मैं क्या व्यू इंजॉय कर रही हूँ. तो मैं देख रही थी यहाँ पे पिजन्स को, बिकॉज बारिश हो रही थी और नेचर भी दिखाई दे रहे थे, प्लस थोड़ा पिजन्स वगैरह एवरी मॉर्निंग आ जाते हैं यहाँ पे क्योंकि पिजन्स को फीड किया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में. और इसके बाद मैं आ गई थी वॉशरूम अपने स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए. तो एवरी मॉर्निंग मैं ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था जब नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर किया था कि मैं मॉर्निंग की भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगी, तो आज वो टाइम आ चुका है. तो पहले मैं हैंड वॉश कर लूँगी अच्छे से. तो मैंने सोप लिया, लिक्विड सोप अपना हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हाथ में बहुत सारी जर्म्स होती है, तो सबसे पहले आपको हैंड क्लीन रखना चाहिए अपने फेस पे हाथ देने से पहले. उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सोप एज अ क्लिनजर, बिकॉज ऑब्वियसली रात भर में फेस मेरी काफ़ी ऑयली हो जाती है एंड डर्ट ऑब्वियसली हो जाता है, तो इसलिए फेस वॉश करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइटनिंग सोप फ्रॉम द बी ब्यूट. एंड उसके बाद मैं वॉश करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ सिरम. और सिरम मैंने लास्ट टाइम नाइट रूटीन में भी आपको दिखाया था, सेम मैं सिरम मॉर्निंग में भी यूज़ करूँगी. सो आप दो टाइम आपको यूज़ करना है, मॉर्निंग एंड नाइट, एंड बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये सिरम. मुझे काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स आ रही हैं बिकॉज इसमें 2% हाइलुरोनिक एसिड है, एंड ऑब्वियसली ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, तो मेरे स्किन को भी काफ़ी सूट कर रहा है ये. एंड मैं कंटिन्यूसली इसे यूज़ कर रही हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है. सो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स एज सच आपको नहीं दिखेंगे, और आपके जो भी डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है फेस के, वो सारे लाइट हो जाएंगे. सिरम के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सैफरिन क्रीम. सो सैफरिन क्रीम आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हो. मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था मैं कोजिक एसिड वाली क्रीम यूज़ कर रही थी, वो स्पेशली रात के लिए होता है. एंड ये सैफरिन क्रीम आप लगाकर सनलाइट में जा सकते हो, बस आपको डॉट डॉट करके अफेक्टेड एरिया में लगाना है. एंड इसमें नेचुरल सैफरिन डाला हुआ है, आपको खुद वो फील होगा एंड टेक्स्चर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बीच बीच में नेचुरल आपके सैफरिन भी मिल जाते हैं, और इसका स्मेल काफ़ी अच्छा है. ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, मॉइस्चराइज भी रखता है स्किन को, एंड ऑब्वियसली एक्ने, डार्क स्पॉट, ये सारी चीज़ को क्लियर करता है जो मैंने कुछ दिनों में नोटिस की अपने स्किन में, और आप खुद ही देख सकते हो कि कैसा ग्लो आ रहा है मेरे स्किन में. स्किन केयर के बाद मैं आ गई थी इज़हान के पास, और इज़हान ऑलमोस्ट उठ चुका था एंड उसे थोड़ी कडलिंग चाहिए होती है एवरी मॉर्निंग. तो मैं आ गई थी उसे कडल करने के लिए, और वो कैमरा की तरफ देख रहा है, सोच रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है. सो मैं उसे प्यार कर रही थी. उसके बाद इज़हान यहाँ पे ब्रश कर रहा था, दीदी उसे ब्रश करवा रही थी. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी इंडिया में हूँ, हॉलीडेज़ के लिए आई हुई हूँ लंबे टाइम के लिए, बिकॉज इज़हान का स्कूल स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, एंड मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा इतना टाइम स्पेंड करने का इंडिया में. सो मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मम्मी के घर पे हूँ ज़्यादातर. तो यहाँ पे एक चीज़ का आराम काफ़ी है मुझे कि मैं यहाँ पे मेड रख सकती हूँ अपने हेल्प के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आराम है यहाँ पे जो हमें लंदन पे नहीं पाती. लंदन पे आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, घर की सफाई, कुकिंग, बच्चा संभालना, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, और भी सारी चीज़ें, तो थोड़ी सी टफ हो जाती है लाइफ वहाँ पे, पर लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं वहाँ पे.
तो सब चीज़ की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होती है, तो यहाँ पे मैं इंडिया की एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रही थी कि जितने दिन हूँ थोड़ी आराम कर लूँ, फिर तो जाके अपना काम खुद ही करना है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता भी मुझे सर्व किया जा रहा था, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ी मेरी भी पैम्परिंग हो रही थी यहाँ पे। इतना करने के बाद मैं फ्रेश होकर रेडी हो चुकी थी और मेरा आउटफिट ऑफ द डे है ये ब्राउन कलर का अनारकली सूट, जो कि बोलते हैं आलिया कट। इस पैटर्न को आई डोंट नो क्यों ये आलिया कट बोलते हैं, मे बी आलिया भट्ट ने ऐसा कुछ डिज़ाइन का पहना होगा, तो ये आजकल मार्केट में बहुत चल रही है एंड बहुत ही अच्छा लगता है इसका पैटर्न। और हमारा उबर आ चुका था तो फटाफट हम उबर पे बैठ गए थे और काफ़ी बारिश हो रही थी। उसके बाद हम पहुंचे क्वेस्ट मॉल बिकॉज नौशीन की बर्थडे आने वाली थी, तो नौशीन के लिए शॉपिंग करना था। सो नौशीन ने बोला कि आप चलो, आप चॉइस करना मेरे लिए, तो हम सब आ गए थे। और शॉपिंग करने के बाद हम बैठ गए थे फूड कोर्ट पे, भूख लगी थी हमें, तो हमने ऑर्डर किया ये KFC एंड चिज़्ज़ा हॉट विंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके साथ थोड़ी फ्रेंच फ्राइज। और ये देखिए चिज़्ज़ा कितनी डिलीशियस लग रही है। और उसके साथ ही साथ नौशीन को खाना था ये आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि बहुत ही यम्मी था। एंड देन उसके बाद हमने लिया था हॉट व्हील्स इज़हान और अली के लिए, तो हम लेकर आ गए थे और इज़हान काफ़ी खुश हो गया था। एंड उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था मेरी अरबी टीचर को कि मैं उन्हें एक स्कार्फ गिफ्ट करूँगी, तो मैं उन्हें स्कार्फ देने के लिए आ गई थी और मुझे अरबी भी पढ़नी थी। तो अरबी पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर अपना चाय इन्जॉय कर रही हूँ। और चाय इन्जॉय करने के बाद हम निकल चुके थे वापस और पहुंच गए थे मूवी के लिए, क्योंकि नौशीन, क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली है, वो थोड़ी डिमांड कर रही थी कि मुझे मूवी देखना और जवान मुझे भी देखना, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ देखी है, काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ है गाइस। एंड सो इसलिए मैं अपने आप को रिजिस्ट नहीं कर पाई, फाइनली मैंने बुक किया और मैं और नौशीन निकल चुके थे मूवी के लिए। और देखिए हम पहुंच गए हैं एक्रोपोलिस मॉल, और एक्रोपोलिस मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सो हमने वहाँ का टिकट्स लिया था। एंड बस फटाफट हम पहुंचने वाले थे बिकॉज ऑब्वियसली मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, बट बिकॉज एडवर्टाइजमेंट होती है स्टार्टिंग में, तो हमने मिस नहीं किया कुछ भी मूवी की। और साथ ही साथ हमने लिया था चीज़ पॉपकॉर्न, और चीज़ पॉपकॉर्न कैसे मिस कर सकते हैं, मैं मूवी से ज़्यादा इंटरेस्ट चीज़ पॉपकॉर्न में लेती हूँ। सो ये रही मूवी एंड यू गाइस शुड गो एंड वॉच दिस मूवी, इट इज़ रियली अमेजिंग। मतलब शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग की है, दो आई एम अ सलमान खान फैन बट आई लव्ड शाहरुख खान्स एक्टिंग एंड द स्टोरी एंड एवरीथिंग। बहुत बार मैं इमोशनल भी हो गई थी, सो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि आप जाकर जवान ज़रूर देख। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है और आपको मूवी काफ़ी पसंद आएगा जैसे मुझे आया है, तो ज़रूर जाकर देखिए। और मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।